महाजरों के एहसास से महरूमी दूर करने के लिए डॉक्टर सलीम हैदर का इस टाइम पे बहुत बड़ा ऐलान सामने आ गया है महाजर कौम के लिए, महाजर तमाम अकाबरीन के लिए, कि डॉक्टर सलीम हैदर ने 6 महीने का महाजर सूबे के हवाले से इंतहाई अहम ऐलान जो है वो यहाँ कर दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस तहरीक में, सूबे की तहरीक में शिद्दत पैदा होगी और इस हवाले से वो मुख्तलिफ मुलाकातों का और महाजर कौम की तरफ जाने का भरपूर इरादा रखते हैं। और हम इनसे मालूम करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, इतना बड़ा ऐलान उन्होंने यहाँ पर कर दिया है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने यह एक्सेप्ट किया कि अगर 1983 में डॉक्टर सलीम हैदर की बात मान ली जाती तो एमक्यूएम इस अंजाम से दो चार नहीं होती। एपीएमसी के उन बुनियादी अराकान के अंदर मैं वाहिद आदमी था जिसका ताल्लुक अंदरूनी सिंध से था, बाकी सारे लोग कराची के थे। डॉक्टर सलीम हैदर साहब, डॉक्टर अजीम अहमद तारिक साहब मरहूम और अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस टाइम के ऊपर जो है ये सूरत हाल की, आपने जो है वो उनके साथ देने के बजाय जो है वो वहाँ पर क्या थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि अलग जमात बनाने को तरजीह दी, जबकि रईस अमरीवी साहब, अख्तर रिजी, बड़े बड़े नाम थे वहाँ पर। सबसे ज़्यादा तकलीफदा मौजू है जिसके ऊपर मैं कोई कभी इजहार ख्याल करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सलीम हैदर साहब के साथ, महाजर इत्तेहाद तहरीक के सरबरा और महाजर सूबा तहरीक के बानी। मौजूदा सूरत हाल में महाजरों के हवाले से, महाजर एरियाज़ के हवाले से और महाजरों के हवाले से जो एहसास महरूमी इस टाइम पर मौजूद है उसके हवाले से, और जो आजकल मसाइल और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है उर्दू स्पीक महाजरों को, इस हवाले से उनके साथ गुफ्तगू होगी। इब्तदाई तौर पे हम डॉक्टर सलीम हैदर से सवाल करने जा रहे हैं कि पहले, सबसे पहले तो वो अपने जो महाजर इत्तेहाद तहरीक की बुनियाद है उसके मुतालिक वो बताएं, और उसके बाद जो है ना मज़ीद सवाल का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस अहम मौजू पर यहाँ पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए। आपने महाजर इत्तेहाद तहरीक की बुनियाद के मुतालिक पूछा, तो महाजर इत्तेहाद तहरीक जो है वो तसलसल है ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको उर्फ़ आम में APMSO कहा जाता है। 11 जून 1978 को ये तंजीम स्टूडेंट्स की बनाई गई, और इसका इस APMSO का तनाजुर जो है वो सन 1900 पाकिस्तान के तकसीम बांग्लादेश के बाद जो हालात पैदा हुए और जो महाजरों में एक नई सोच पैदा हुई उसके तसलसल में 78 में हमने APMSO बनाई, और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट जो था वो उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी और नया नया मार्शल्ला लगा था, तो भुट्टो के दौर के सारे मजालिम सहने के बाद वो सारी पॉलिसीज़ वो APMSO की बुनियाद वो थी। 11 जून की 78 की जमात जब 1984 में जब ये समझा जा रहा था कि ज़ियाउल्लाह साहब शायद कोटा सिस्टम के 10 साल पूरे होने पर उसको ख़त्म कर देंगे, तो उस वक्त की फ़ौजी हुकूमत ने जो उन्होंने भुट्टो को फांसी दी थी तो उसकी सियासी रिश्वत के तौर पे उन्होंने GM सैयद ने एक पैकेज मांगा था उनसे, और वो पैकेज में कोटा सिस्टम में मज़ीद 10 साल की तोसी, 200 सिंधी ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट CSS पास किए बग़ैर ब्यूरोक्रेसी में दाखिल करवाना, और इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे सिंध के इख्तदार पे उन्होंने हिस्सा मांगा था जो उन्हें दिया गया थ्रू गौस अली शाह के। तो ये वो वक्त था कि जब ज़रूरत पड़ गई कि अब अवामी सतह पर आकर जो है ना वो सियासत की जाए। तो इस सिलसिले में 13 मार्च 1984 को मैंने महाजर इत्तेहाद तहरीक की बुनियाद डाली जो दौरे हाजिर में पहली महाजर जमात थी, और उसके 5 रोज़ के बाद 18 मार्च 1984 को महाजर कौमी मूवमेंट की जो अजीम अहमद तारिक साहब चेयरमैन थे, अल्ताफ हुसैन साहब उनके कायद थे, उसकी बुनियाद रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने हैदराबाद में की थी इस हवाले से? जी हाँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा बुनियादी ताल्लुक हैदराबाद से है, पैदाइश से लेके और तालीम के,
तो और मेरे साथ, मैं उस पूरे दौर में अंदरून सिंध के माजरों की सोच को रिप्रेजेंट करता था। APMSO के उन बुनियादी अराकान के अंदर मैं वाहिद आदमी था जिसका ताल्लुक अंदरून सिंध से था, बाकी सारे लोग कराची के थे। तो मैं जाहिर है कि सिंध के अंदर महाजरों पर जो कुछ जिस तरह से बीतते थे, फिर मेरा एक बहुत बड़ा हलका जो था वो हैदराबाद में था, तो इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हैदराबाद में की थी। डॉक्टर सलीम हैदर साहब, डॉक्टर अजीम अहमद तारिक साहब मरहूम और अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस टाइम के ऊपर जो है ये सूरत हाल की, आपने जो है वो उनके साथ देने के बजाय जो है वो वहाँ पर क्या थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि अलग जमात बनाने को तरजीह दी, जबकि रईस अमरीवी साहब, अख्तर रिजी, बड़े बड़े नाम थे वहाँ पर। देखिए ऐसा है कि अब ये वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दा मौजू है जिसके ऊपर मैं कोई कभी इजहार ख्याल करता हूँ, इसलिए कि जिन हालात के अंदर मुझे अपनी जमात अलग बनानी पड़ी वो ही हालात थे, वो इकदामात थे, पार्टी के अंदर रह के पॉलिसी शिफ्ट था कि जिसकी बिना पर बिल आखिर आज जाकर MQM एक बुरे अंजाम से दो चार हुई। और अभी हाल ही में एक तकरीब थी ईद मिलन पर, जिसमें MQM के सीनियर रहनमा फारूक सत्तार ने ये एक्सेप्ट किया कि अगर 1983 में डॉक्टर सलीम हैदर की बात मान ली जाती तो MQM इस अंजाम से दो चार नहीं होती। उस वक़्त MQM तो नहीं थी, APMSO थी, लेकिन APMSO ही बाद में कन्वर्ट हुई MQM के अंदर। तो APMSO के अंदर जो उस वक्त सबसे बड़ी गलती की गई थी वो ये कि इसकी पॉलिसी को गिरवी रख दिया गया था GA सिंध, GM सैयद और सिंधु देश के हाथों। और ये वो कहानी है जो महाजनों को बहुत अरसे तक पता नहीं चली और वो जज्बाती तौर से इनका साथ देते रहे, लेकिन बिलाखिर इन दी एंड आप देख लें कि वो कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सवाल था, और लेकिन आवाम का आपको पता है कि इस हवाले से आपका हमेशा से सुनते आए, आपके इस मौक़िफ़ की तायद करी या नहीं करी वो आवामी हलकों के ऊपर ही पता चलेगा। डॉक्टर सलीम हैदर भाई, महाजर कौमी मूवमेंट, PSP, MQM पाकिस्तान और तमाम जितने ये धड़े और ग्रुप बंदी है मुंतशिर मुनकसिम कौमी मूवमेंट का रूप धार चुके हैं, क्या ऐसा लाअमल देंगे, क्या ऐसी तजवीज़ देंगे कि यहाँ पर आने के बाद सबको एक प्लेटफॉर्म पर कम से कम PDM जस्ट लाइक अ PDM की तरह पर की तर्ज पर एक इत्तेहाद बनाया जाए और जो है वो भरपूर तरीके से सूबे की तहरीक या इसके हवाले से जो भी माजरों के हक़ में बेहतर हो वो काम किया जाए, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे इस हवाले से और हल बताएं इसका कि हल क्या है, किस तरीके से ये सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकते हैं आप सब लोग? देखिए पहली बात तो ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे आना, इत्तेहाद की बात करना और इत्तेहाद हो जाना, ये तो बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे महाजर कौम को एक मजबूत ताकत के तौर पे खड़ा करना है। जो रुकावटें हैं वो ये हैं कि जो ग्रुप और धड़ेबंदियां हो गई हैं, एक तो दूसरी बात जो इस सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इसके बावजूद के जो 200-400-500 लीडरशिप होती है, ये धड़ेबंदी उनके दरमियान है। आज भी महाजर अवाम के अंदर कोई धड़ेबंदी नहीं है। महाजर अवाम जो हैं वो अपने नारों के ऊपर, अपने मकसद के ऊपर बिल्कुल राशिक हैं, वहाँ तकलीफ़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिवाइड नहीं हुई है, किसी जमात को ऐसा कोई मैंडेट शिफ्ट नहीं हो गया है। महाजरों का मैंडेट अपनी है, यानी अगर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो भी अपनी जगह है, घर बैठे हुए हैं, खामोश हैं, लेकिन महाजरों का मैंडेट अपनी जगह है। उन्होंने कोई मैंडेट अपना ना तहरीक इंसाफ को दिया है, ना पीपल्स पार्टी को दिया है, ना नून लीग को दिया है, ना जमात इस्लामी को दिया है। महाजरों का मैंडेट अपनी जगह मौजूद है, हाँ कम वोट कास्टिंग हुई है तो इस तरीके से, लेकिन जब ये इत्तेहादों की ज़रूरत पड़ती है, ये ज़्यादातर तो ये अगर सियासी अमल, जैसे PDM का अक्सर नाम लिया जाता है, तो एक सूरत तो ये भी हो सकती है इत्तेहाद की जैसे PDM की है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मसला जो है वो महाजर कौम के अंदर
असल प्रॉब्लम हो गई है कि शदीद किस्म की मायूसी उनके अंदर पैदा हो गई है। मैं टेक्निकली समझता हूँ कि अगर महाजर कौम की मायूसी दूर हो जाए और इस कौम को हम खड़ा कर पाएँ, इसको उम्मीद दिला सकें, जो कि उसकी काफ़ी कम हो गई है, तो इस वक्त हम प्लेटफार्मों के दरमियान कोशिश ये की जा रही है कि हम में से सब लोग कौम को उम्मीद दिलाएं और उनको एक मेयार पे खड़ा करें। एक खुशी की बात जो दूसरी है वो ये है कि अब कमोबेश तमाम प्लेटफार्म सूबे की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई जुनूबी सिंध कह रहा है, कोई शुमाली सिंध, कोई शहरी सिंध, कोई महाजर सूबा हमारा शुरू से एक नाम है, तो उस तरीके से ठीक है। एक वक्त था कि लंदन वाले भी सिंध वन और सिंध टू की बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उसके अलावा हम देखते हैं कि महाजर कौम में बड़ी अवेयरनेस आई है सूबे के हवाले से, तो ये खुशाइन दो बातें हैं। बाकी जहाँ तक इत्तेहाद की सूरत है, वो जो नफ़रत थी, वो जो कत्लो गारत गरी थी, वो जो कातिल मकतूल का खेल 92 के अंदर शुरू हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। सलीम अदर भाई, ये बताइए कि चार सूबे मौजूद हैं, मजीद सूबे बनने के बाद पाकिस्तान के चार सूबे कर्ज़दार हैं, पाकिस्तान किस सूरत हाल में मौजूद है, मजीद सूबे बना के मजीद सूबे बनाने के बाद उस सूबे की भी आवाम को जो है वो कर्ज़दार कर दिया जाएगा, तो सूबा अगर हल है तो किस तरह से पॉसिबल है कि सूबा बनने के बाद बाकी चार सूबों की तरह उनके जो है बदहाली नहीं होगी, किस तरह से मतरूका सिंध और वो तो इतना आराम से नहीं मिलने वाला, इनकलाबी तर्ज फिक्र गायब हो चुकी है कौमों में से, किस तरह से बाहर निकालेंगे, मायूस कौम को किस तरह से जगाएंगे, और सूबे का ये मेरा जवाब दीजिएगा इसका। देखिए, सूबे बनने से जो मौशी तौर से तबाही है उसमें मैं नहीं समझता कि कोई उसमें ख़राबी आएगी, बल्कि उसमें बेहतरी आएगी। और दुनिया के अंदर, हम दुनिया से बाहर तो नहीं हैं, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन्होंने सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं। जैसे जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे करेंगे आपको मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, उससे चीज़ें आसान होंगी। वसाइल तो जितने हैं उतने ही रहेंगे सब जगह। मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ अपने सूबे की बात करता हूँ, अगर के मैं इस तरह से, सॉरी एक बात और अपने सूबे की करने से पहले बताऊं कि ये तकसीम पाकिस्तान हिंदुस्तान के वक्त हमारे हिस्से में 5 सूबे आए थे, भारत के हिस्से में 8 सूबे गए थे। आज भारत के पास 35 सूबे हैं। भारत तो कमज़ोर नहीं हुआ, भारत तो मजबूत हुआ है। ये इतने से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो 28 सूबे हैं, ईरान में बहुत ज़्यादा सूबे हैं, हर सूबे दुनिया में, पाकिस्तान दुनिया का इतनी बड़ी आबादी में सबसे कम सूबे का दुनिया का वाहिद मुल्क है। लेकिन भारत में मक्कड़ और तेलोर और वो उनको वहाँ नहीं कहा जाता, लेकिन आप लोगों को कहा जाता है, जाता है। ये इसका हल भी है। मैं अपने सूबे के हवाले से ऐसा मैं कह रहा था कि अगर हमारा सूबा बन जाता है तो आज जो कराची के अंदर मायूसी है और जो कराची का आदमी डिसइनफ्रेंचाइज हो गया है, इसका हल ही यह है कि कराची को मुकामी क़यादत दी जाए और इसको इतने लिमिटेड खुद मुख्तारी दी जाए, इख्तियारात दिए जाएं कि ये कराची कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। देखिए, सिंगापुर कराची से भी छोटा है, तो वहाँ पर तरक्की का क्या मियार है? कराची इंडस्ट्रियल हब बन सकता है इस पूरे खित्ते का। कराची में जो बदहाली, कराची पूरे पाकिस्तान का इंजन है, कराची पूरे पाकिस्तान को आसमान पे खड़ा कर देगा, और माजी में कराची चलाता रहा है, लेकिन कराची के लोगों को जब मायूस किया गया है, उनको रोज़गार से, इंडस्ट्री लगाने से, कारोबार बढ़ाने से, यानी बेसिक उनको फैसिलिटीज़ से महरूम रखा गया है सिंध सूबे के अंदर। अभी कल ही की बात है कि यहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर एस एम मुनीर जो है, फेडरेशन का सदर, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहा है कि मैं अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहा हूँ इसलिए कि मैं 2 करोड़ रुपए महीने का पानी नहीं खरीद सकता। वो पाकिस्तान में ट्रेनरी का सबसे बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर और बड़ा, तो एक मैं तो सिर्फ एक मिसाल जो हालिया मिसाल है। तो कराची के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जब तक यहाँ पर कराची के अपने लोगों की हुकूमत नहीं होगी, जो एक सूबे की सूरत में हासिल हो सकती है, आप दादू के गोट देहातों से, नवाबशाह से, खैरपुर से यहाँ पर ला के क़्यादत और वज़ीर आला और मिनिस्ट्री, आज
तीसरा टेन्यूअर है, 15 साल कुछ दिन, 13.5 साल हो गए हैं कराची सिंध की कैबिनेट के अंदर एक महाजिर की नुमाइंदगी नहीं है, यानी शहरी इलाकों की नुमाइंदगी नहीं है। तो इतना जब आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे तो लोग मायूस होकर काम करना छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बैठ गई है उसकी वजह यह है कि कराची को बिठा दिया गया है। हम सूबा बना के पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस इंजन को दोबारा से चलाएं। डॉक्टर सलीम हैदर साहब, ये बताइए कि सूबा बनाने के हवाले से आपके पास कानूनी और जो ज़मीनी हकायक हैं वो किस हवाले से, क्या आप इस तहरीक को आगे बढ़ाकर अगर इस नुक्ते के ऊपर लेकर आगे चलते हैं तो सूबे की, अब लाजमी चाहते हैं कि असम्बलियों में कोई आपका वो नहीं है, एम के एम पाकिस्तान का कभी रहा नहीं, उसने सूबे का जो है कभी हाथ से भी मौका है, कोटा सिस्टम भी नाफिज और लमल हो गया और ट्राई भी यहाँ से 99 में नवाज शरीफ साहब जो है वो लेके चले गए, बहुत सारे मामलात हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे सूबे की तहरीक को और किस तरह से राज़ी करेंगे ये रहनुमाओं को जो इंतहाई से ज़्यादा जो है खामोश और दबे हुए लग रहे हैं। देखिए जुश्ती भाई, ये जो सूबे के मामले के अंदर हमारा वास्ता जो है ना, वो जो लोग इसको अपनी तरफ रुख मोड़ लेते हैं, हमें किसी सिंध असेंबली से सूबा नहीं बनवाना, हम ऐसी सिंध असेंबली को नहीं मानते जो जाली मर्दमशुमारी की बुनियाद पर, गैर मुनसिफाना सीटों की तकसीम की बुनियाद पर कायम है। इनके इस सिंध असेंबली के जो वालिद साहब थे भुट्टो साहब, इनके दौर में जो हमारी सेंसस हुई थी जिसको रिकॉर्ड पे मौजूद है, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद खान जुनेजो ने सिंध हाई कोर्ट में एडमिट किया है और उसने कहा कि मुझे भुट्टो की हुकूमत ने कहा था कि हमारे गाँवों की नवाबशाह की धड़कन की 350% आबादी बढ़ा दो और कराची हैदराबाद की 350% आबादी कम कर दो। क्या आप नहीं समझते कि सिंध के वो दानिश्वर जो अकल और शऊर और तासुब के बग़ैर जो है वो उसके हामी हैं और जो असल सिंधी हैं, आप उनसे बात करके माजर सूबे की तहरीक में शामिल होने की दावत दे सकते हैं? क्या आप लोग भी परेशानी का शिकार हैं अंदरून सिंध में, तो हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद में शरीक होइए? नहीं, इस सिलसिले में देखिए मौकफ ये है कि जो सूबे होते हैं ना, कोई भी सूबा हो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो होते हैं वो उसके अंदर वो ना पंजाबी होते हैं, ना सिंधी होते हैं, ना बलोच होते हैं, ना महाजिर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक सूबाई इख्तियार होता है। अब चूंकि बाकी लोगों ने अपनी कौमियती शनाख्तों पर रखी हुई तो हम भी महाजिर सूबा कह देते हैं, लेकिन अगर कोई इस मामले पर इंसेनिटी हमसे डायलॉग करेगा तो नाम के मामले पर हम बिल्कुल डायलॉग करने को तैयार हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सूबों की तश्कील होती है, जब लोग कहते हैं ना असेंबली से नहीं होगा, अभी तक तो पाकिस्तान की तारीख नहीं है कि कभी कोई सूबा जो है वो असेंबली से बना हो, अभी तक तो तारीख नहीं है। जब पाकिस्तान बना था तो जो पाकिस्तान के 5 सूबे थे वो किसी असेंबली की मंजूरी से नहीं बने थे। उन 5 सूबों के अंदर 2 सूबे ऐसे थे कि जो तकसीम हिंद की का शिकार हुए थे। हमारा सबसे बड़ा सूबा पंजाब तो 14 अगस्त 1947 को बना है। क्या ये पंजाब था 13 अगस्त 1947 को? नहीं था ना, पूरा एक बड़ा पंजाब था। जाहिर है उसमें से ये पंजाब टूटा था। तो कैसे टूटा था? इसका एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था कि अब ये पंजाब यहां से लेके यहां तक होगा। हमारा बंगाल तकसीम हुआ था कि ये बंगाल मशरकी हिस्सा जो है यहां से यहां तक, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था और उसमें वो सिलट की जो है वो रियासत भी शामिल की गई थी उसके अंदर। तो ये सूबे जो बनते हैं, ये हमारा बलूचिस्तान 1970 तक सूबा ही नहीं था जनाब। ये जो आपका सूबे थे 1952 के अंदर ये सूबे खत्म करके एक नया सूबा बन गया, उसका नाम था मगरबी पाकिस्तान और वो मशरकी पाकिस्तान जिसको वन यूनिट कहते हैं। यानी अब सूबे चारों खत्म हो गए और वन यूनिट बन गया था हमारा वाला हिस्सा पाकिस्तान का। तो वो किसी असेंबली से बना था,
नहीं, एक ऑर्डिनेंस था गवर्नर जनरल का। फिर 1969 में फिर सूबे बहाल हुए, यानी फिर सूबे बने, तो वो किसी असेंबली से बना था? नहीं, एक जर्नैल याया खान का ऑर्डिनेंस था 2 अप्रैल 1969 का। ये कश्मीर से काट के गिलगित बल्तिस्तान को नीम सूबा बनाया गया है, इसी असेंबली से बना है? नहीं, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बना है। अब ये आखिरी जो बन रहा है पंजाब में सूबा, ये बन जाए तो फिर हम बात करेंगे। लसानियत की बुनियाद के ऊपर बहुत खून खराबा हो चुका है सलीम भाई, महाजर ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं, एहसास महरूमी का शिकार हैं, बल्दियाती इदारों के अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम अंदरून सिंध से आके यहाँ पर जो है वो अफसरान और मुलाजमीन तैनात हो गए, कराची रूल्स और सर्विस और रूल्स की जो शिक हैं वो भी ख़त्म होती जा रही है, अदालतें आपकी केसेस जो है वो पेंडिंग में मौजूद हैं, उस हवाले से इस तहरीक को हतमी नतायज कब तक मिलेंगे? क्योंकि अब आप तमाम रहनुमाओं की जो उम्र्स हैं, जो एज है, वो वहाँ इस मकाम पर पहुँच चुकी, तो कब तक महाजर इंतज़ार करता रहेगा कि कब ये खड़े होंगे, कब हमारा सूबा बनेगा, कब हमारी असासे महरूमियाँ दूर होंगी? आखिर अकल क्यों नहीं पकड़ी जा रही है? यहाँ पर सब आखिर में तितर बितर क्यों हो रहे हैं? ये आपका जो कंसर्न है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये कि ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि हम कोई बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, हम बस उतने ही बूढ़े हैं जितना मुराद अली शाह बूढ़ा है। वो सिंध का सबसे नौजवान वज़ीर है और कोई इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं है वो, और हम एक ही उम्र के हैं। तो अभी तो ये सिंधी कौम जो है वो तो 102 साल के जी एम सैयद की क़्यादत में काम करती रही है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी तो परवाह नहीं है। अब रह गया मसला इसका कि देखिए, हमने अर्ज़ किया कि महाजर की जिस दिन सम दुरुस्त हो जाएगी, और जो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, सम दुरुस्त होने के बाद ये क़यादत इंशाल्लाह ताला, हम अपनी कौम से वादा करते हैं, आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे सूबा बनने में, मैं इंतहाई टाइम दे रहा हूँ। बड़ा दावा नहीं कर रहे आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है इस कौम की पोटेंशियल का, मुझे पता है अपनी कौम की। हमारे ऊपर वो बदनसीब क़यादत थी जिसको अपनी कौम की पोटेंशियल का भी नहीं पता था, उनका सिर्फ मकसद ये था कि इस कौम का वोट बैंक हासिल करो और उसके बाद अगली सुबह से पैदागिरी शुरू कर दो। 88 में वोट लिया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही थी उसमें शामिल हो गए, 90 में वोट लिया, नवाज शरीफ की बन रही थी उसकी गड्डी में चढ़ गए, वो उसकी पर क्या नाम है, जतोई की पूरी हुकूमत है उसकी गड्डी में चढ़ गए, फिर उसके बाद मुशर्रफ आ गया, नवाज शरीफ का दूसरा दौर आया, दूसरे दौर में शामिल हो गए, फिर मुशर्रफ आया उसकी गड्डी में चढ़ गए, अब इमरान खान आया उसकी गड्डी में चढ़ गए। ये जब तक ये फ्रॉड सियासत होती रहेगी, और कोई जब तक बाकिरदार बाज़मीर खड़ा रहने वाला, कौम के मकसद पे बात करने वाला, हम अगर हमारी जैसी क़यादत होती तो 6 महीने के अंदर इमरान खान को जो है वो घुटनों बिठा देते, लेकिन ये लोग चंद वजारतों के एवज बिके हुए, ये क्या काम कर रहे हैं? हमारी नाकामी, महाजर कौम का जो आज तक कोई मकसद और मसला हल नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ क़यादत है, बिकाऊ क़यादत, पैदागीर क़यादत, जिन्होंने इस कौम को तबाह बर्बाद किया। इंकलाबी तर्ज फिक्र पैदा करने के लिए डॉक्टर सलीम हैदर इन तमाम रहनुमाओं के पास जाने के लिए तैयार है? मैं तो बिल्कुल जाने को तैयार हूँ, जा रहा हूँ, जाऊँगा, इनको समझाने की आखिरी कोशिश करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अज़्म ये है कि अपनी कौम को भी कॉल करूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से उम्मीद है वो अपनी कौम से उम्मीद है। महाजर नौजवानों के नाम, महाजर तमाम अकाबरीन के नाम और पूरी कौम के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिरी? देखिए, मेरा मैसेज तो ये है कि वो सही और सच्ची क़यादत के पीछे खड़े हो जाएं। ये जो बल्दियाती नौकरियों के और तरक्की तबादले और पैदागिरी का चक्कर छोड़ दें, और ये झूठी रैलियाँ वेलियाँ निकालने से कुछ भी नहीं होगा। आप रैली निकाल ली ना, अगली सुबह क्या करोगे बताओ? सर क्या किया क्या तुमने? 3 दिन हो गए, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ये 35 साल से तहरीक चल रही है, टके का काम कुछ नहीं हुआ। महाजर कौम का लोग बहुत बन गए, सब मिलियनर ट्रिलियनर बन गए, लेकिन महाजर कौम तबाह बर्बाद हो गई।
हम जो मंशूर और जो इरादा लेके निकले हुए हैं और वो महाजर कौम का है मंशूर, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमें पूरी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और अपनी कौम की पोटेंशियल पर यकीन है। आखिर में मेरा पैगाम यही है कि हम ही हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम हैदर भाई आपका टाइम देने का, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और माजर कौम के लिए जो है वो एक नई राह मुतय्यन करने में आपका किरदार अदा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा आपका रबता और मैसेज आपके ज़रिए से हमारा आवाम तक पहुँचेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आप। आज कराची के साथ सैयद महबूब अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।